Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Silla. Today we are going to start with the 14th chapter, which is prefixes and suffixes. So let's get started. Some letters or groups of letters are added to the beginning or after other words to make new words, which may mean either opposite to the original word or maybe completely different words. Such group of letters are known as prefixes if they are added to the beginning of a word, and suffixes if they are added to the end of a word. So students, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? इसका मतलब ये है कि prefix और suffix कुछ ऐसे words होते हैं जिनको हम किसी दूसरे word के साथ में या तो पहले लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं, और जब हम इन वर्ड्स को लगाते हैं आगे या पीछे, तब उनसे उस जो वो जो वर्ड होता है उसका या तो कोई अपोजिट मीनिंग चेंज हो जाता है या उस वर्ड की थोड़ी क्वालिटी चेंज हो जाती है. एग्जाम्पल देखिए, अगर हम प्रिफिक्स होता है तो हम उसे वर्ड से पहले लगाते हैं, और सफिक्स जो होता है हम उसे उस वर्ड के बाद में लगाते हैं. अब हम पहले देखेंगे प्रिफिक्स. अ प्रिफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रिफिक्स हम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले लगाते हैं किसी दूसरे वर्ड से पहले, और इससे हम उस वर्ड का एक नया मीनिंग बनाते हैं. द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड इज मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड. और ज्यादातर ये जो हम नया वर्ड बनाते हैं प्रिफिक्स ऐड करके, इसका मीनिंग मोस्टली डिफरेंट ही होता है उस ओरिजिनल वर्ड से. पहला देखिए, वी कैन यूज प्रिफिक्सेस टू फॉर्म अपोजिट्स. यूजली हम प्रिफिक्सेस यूज करते हैं अपोजिट्स बनाने के लिए. एग्जाम्पल्स देखिए, अन प्लस हैप्पी इज इक्वल टू अनहैप्पी, दिस प्लस एबल इज इक्वल टू डिसेबल. अब हैप्पी और एबल ये अपने आप में ही एक वर्ड है. हैप्पी यानी कि खुश, और एबल यानी कि किसी चीज को करने के लिए एबिलिटी. इसी में अगर हम अन और दिस पहले प्रिफिक्स लगा रहे हैं तो हैप्पी का अपोजिट क्या हुआ? अनहैप्पी यानी कि उदास, तो ये अपोजिट हो गया ना. इसी तरीके से एबल का अपोजिट क्या हुआ? डिसेबल. तो अन और डिस, ये जो हमारे दो वर्ड्स हैं ये हैं आपके प्रिफिक्स. सेकंड पॉइंट देखिए, टू फॉर्म एब्सोल्युटली न्यू वर्ड्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिनल वर्ड. अब हमने ऊपर जो वर्ड्स पढ़े हैप्पी अनहैप्पी, ये वर्ड्स सेम ही थे बट इनके अपोजिट्स थे, लेकिन ये वर्ड्स रिलेटेड थे एक दूसरे से. कभी कभी क्या होता है, हम प्रिफिक्स तब यूज करते हैं जब हम कोई और ही बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देते हैं और उस वर्ड का ओरिजिनल वर्ड से कोई मीनिंग, कोई मिलता जुलता, कोई सेंस नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता है. एग्जाम्पल देखिए, फॉर प्लस गिव इज इक्वल टू फॉरगिव. अब गिव जो वर्ड है वो तो देना होता है, पर फॉरगिव और देने का कोई एज सच कोई रिलेशन है नहीं, कोई इन दोनों का मतलब नहीं है. तो फॉरगिव एक अलग वर्ड हो गया, गिव एक अलग वर्ड हो गया, लेकिन हमने गिव में अगर फॉर को ऐड किया पहले तो वो फॉरगिव बन गया यानी कि माफी, तो एक अलग नया वर्ड बन गया. सम कॉमन प्रिफिक्सेस आर अ, बी, दिस, फॉर, फॉर, इन, मिस, अन, अंडर, एक्सेट्रा. तो ये आपके कुछ कॉमन प्रिफिक्सेस थे. अब हम पढ़ेंगे सफिक्सेस. सफिक्सेस आर लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर्स अटैच टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. सफिक्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं, वो हमारे सफिक्स होते हैं, उससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं. वी यूज सफिक्स फॉर वेरियस पर्पस, सच एज हम सफिक्सेस को वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं. कुछ देखिए एग्जांपल्स. टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन्स, जब हमें किसी नाउन का प्लूरल बनाना हो तब हम सफिक्स यूज करते हैं. टू फॉर्म टेंसेस ऑफ वर्ब्स, जब हमें वर्ब के टेंसेस बनाने हो तब हम सफिक्सेस यूज करते हैं. थर्ड है आपका टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एक्सेट्रा. हम सफिक्स तब यूज करते हैं जब हमें एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इस तरीके के कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हो. वी ऑलरेडी नो दैट ई आर, आर और आर एडेड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. हम ये चीज पहले से ही जानते हैं कि ई आर, आर और ओ आर, और को हम यूज करते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए. अदर सफिक्सेस आर लेस, फुल, एबल, आई बी एल ई, ई एन टी, आई वी ई, आई ओ यू एस, EOUS, ISH, ish, meant, ness, ION, ship, etc. ये आपके कुछ suffixes हैं, कुछ और examples.
अब देखिए सफिक्सेस के कुछ नए एग्जांपल्स। टेन प्लस SION इज इक्वल टू टेंशन, ब्यूटी प्लस फुल इज इक्वल टू ब्यूटिफुल, काइंड प्लस नेस इज इक्वल टू काइंडनेस। अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन प्रीफिक्सेस इज अन प्लस एबल इज इक्वल टू अनएबल, अन प्लस टाइडी इज इक्वल टू अनटाइडी, अन प्लस डू इज इक्वल टू अनडू, अन प्लस हैप्पी इज इक्वल टू अनहैप्पी, इम प्लस बैलेंस इज इक्वल टू इम्बैलेंस, इम प्लस पोलाइट इज इक्वल टू इम्पोलाइट, इम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, डिस प्लस लाइक इज इक्वल टू डिसलाइक, डिस प्लस कवर इज इक्वल टू डिस्कवर, डिस प्लस अग्री इज इक्वल टू डिसअग्री, मिस प्लस गाइड इज इक्वल टू मिसगाइड, नॉन प्लस वायलेंट इज इक्वल टू नॉन वायलेंट, नॉन प्लस सेंस इज इक्वल टू नॉन सेंस, डी प्लस मॉरलाइज इज इक्वल टू डीमोरलाइज, डी प्लस फेम इज इक्वल टू डिफेम, ओवर प्लस फ्लो इज इक्वल टू ओवर फ्लो, री प्लस स्टार्ट इज इक्वल टू रीस्टार्ट, री प्लस फंड इज इक्वल टू रिफंड, री प्लस टर्न इज इक्वल टू रिटर्न, सुपर प्लस नेचुरल इज इक्वल टू सुपर नेचुरल। सम कॉमन सफिक्सेस आर ऑफ नाउन्स, कुछ हम सफिक्सेस पढ़ेंगे, पहले हम नाउन्स के सफिक्सेस पढ़ेंगे। आर और ई आर, वाई ई आर इज इक्वल टू पेंटर, सेलर, बेगर, लॉयर, टी ई आर इज इक्वल टू बैटर, पॉटर, डी ओ एम इज इक्वल टू फ्रीडम, किंगडम, विजडम, हुड इज इक्वल टू चाइल्डहुड, मदरहुड, लिंग इज इक्वल टू डकलिंग एंड सपलिंग, शिप इज इक्वल टू फ्रेंडशिप, हार्डशिप, लीडरशिप, ओनरशिप। कुछ ऐसे सफिक्सेस विच आर ऑफ एडजेक्टिव्स, ई डी इज इक्वल टू गिफ्टेड, टैलेंटेड, EN is equal to wooden, golden, full is equal to hopeful, joyful, ish is equal to foolish, girlish, less is equal to fearless, shameless, ly is equal to manly, godly, some is equal to handsome, quarrelsome, y is equal to wealthy, healthy, witty, dirty। अब सफिक्सेस में हम देखेंगे सफिक्सेस ऑफ वर्ब्स। ई एन इज इक्वल टू वीकन, स्वीटन, एफ वाई इज इक्वल टू ब्यूटिफाई, जस्टिफाई, ई आर इज इक्वल टू चैटर, ग्लिटर। अब देखिए सफिक्सेस ऑफ एडवर्ब्स, एल वाई इज इक्वल टू बोल्डली, बोल्डली, वाइजली, लॉन्ग इज इक्वल टू हेड लॉन्ग, साइड लॉन्ग, way is equal to anyway, always, wise is equal to likewise, otherwise, ness is equal to roughness, loveliness, ward is equal to homeward, back, homeward, backward, forward bolta, word is equal to homeward, backward, forward। अब कुछ exercises देखिए। Section A, form new words by adding suitable prefixes। अब यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको नए वर्ड्स बनाने हैं कुछ प्रीफिक्सेस ऐड करके। प्रीफिक्सेस यानी कि प्री, पहले आते हैं हम किसी वर्ड से, पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है। पहला देखिए स्लीप, स्लीप में आप आगे ए लगा देंगे तो हो जाएगा अस्लीप, श्योर, अश्योर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फेम, डी फेम, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सूटेबल सफिक्सेस। अभी हमने ऊपर सफिक्सेस ऐड किए थे, अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको सफिक्सेस ऐड करने हैं, यानी कि वर्ड्स के बाद में जो वर्ड लगते हैं वो उनको सफिक्स बोलते हैं। पहला देखिए ब्रेव, ब्रेव में आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेव में आप लिख सकते हैं एल वाई यानी कि ब्रेवली, फ्री में आप लिख सकते हैं डी ओ एम डम, फ्रीडम, किंग में भी आ जाएगा आपका डी ओ एम डम, किंगडम। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों में से कुछ भी लग सकता है, आपको डिसाइड करके सही लिखना है।
पहला देखिए यूज, यूज में आप लेस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा यूजलेस। अब सेकंड देखिए लाइव, इसमें आप सफिक्स ऐड कर सकते हैं ly, सिमिलरली लिवली लाइवली जैसे हम कहते हैं। अब देखिए स्किल्ड, स्किल्ड में आप अनस्किल्ड कर सकते हैं, इसमें एक प्रीफिक्स ऐड करके अन, अनस्किल्ड। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, एड सूटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके उनका मीनिंगफुल वर्ड बना के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहला देखिए माया फेयर्ड डैश इन हर एग्जाम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे फेयर्ड की जगह फेल्ड होगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको फेल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बैड वर्ड दिया गया है, तो इसमें हम सफिक्स ऐड करेंगे कौन सा, ly, badly। तो यहां हम सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख सकते हैं माया फेल्ड बैडली इन हर एग्जाम्स। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, ज्वाइन द वर्ड्स इन द लिस्ट टू मेक न्यू वर्ड्स। अब आपको लिस्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं ए और बी कॉलम में से उन्हें ज्वाइन करके नया वर्ड बनाना है। पहला जैसे आपको दे रखा है न्यूज प्लस पेपर इज इक्वल टू न्यूज पेपर, तो ये नया वर्ड बन गया। अब देखिए सेकेंड वर्ड है आपका इम्प्रूव, इम्प्रूव में आप क्या ऐड कर सकते हैं, मेंट, इम्प्रूवमेंट, नया वर्ड बन गया आपका, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप मैच करके नए वर्ड्स बनाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस समझ में आए होंगे। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो प्री, प्री से आप नाम नाम से याद रखेंगे, प्री यानी कि पहले, तो प्रीफिक्सेस हमेशा पहले लगते हैं किसी वर्ड से एक नया वर्ड बनाने के लिए, मोस्टली प्रीफिक्सेस हमें अपोजिट मीनिंग्स देते हैं। इसी तरीके से सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस आपके किसी वर्ड के बाद में लगने वाले वर्ड्स होते हैं जिनसे हम मोस्टली प्लूरल्स भी बनाते हैं। तो ये आपके कुछ मीनिंग्स हुए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, इनके यूजेस हम लोगों ने देखे, बाकी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, उनकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।